आज हम काफ़ी देर से, ये रात्रि का लगभग 8 बजे का टाइम चल रहा है, और अगर स्क्रीन पर आप देखें तो ये जो अभी तमाम तादाद, अभी हम आ चुके हैं काली कंबल वाले बाबा, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, काफ़ी लोगों से आप जुड़े होंगे, काफ़ी वीडियो तो इतने वायरल हो रहे हैं कि लगता है कि बस मतलब सबसे सुर्खियों में चलने वाला चेहरा बन चुका है। तो हमारे को भी महसूस हुआ कि यार चले कुछ तो पता करें आखिर इस तमाम बातों का, इन तमाम चीज़ों का राज क्या है। यहाँ हम भी आए हैं, हम भी कोशिश करते हैं, और खुद काली कमली वाले बाबा अब हमारे साथ हैं, तो हम सीधा सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर ये तमाम चीज़ें कैसे शुरू हुई और उनमें कितना सत्य है, उसमें कितने संदेह हैं, और आखिर इन चीज़ों को लेकर वो कैसे इन तमाम लोगों से, तमाम शरीर से जुड़ते हैं। मेरा नाम गणेश है। कहाँ से हो आप? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से? वैसे तो आप लगभग आपको वीडियो से सब लोग पहचानने लग गए हैं। हाँ। मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आप आते हो इस मंच पे, आते हो इतने लोगों को इतनी पीड़ा में देखते हो, तो पहले तो आप महसूस क्या करते हो? मैं ये महसूस करता हूँ, ये माँ ये दुखी आई है, माँ तू तो भक्षण रोग का भक्षण करती, माँ ये जो रोग ही है वो सबका माँ तू रोग मिटा, एक ही माँ को प्रार्थना करता हूँ। ये आपको पहली बार का पता चला कि आप में ये इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि इतने लोगों के आप काम इस प्रकार से आप आ रहे हो? मैं जब 4 साल का था तब। कैसे पता चला क्या? मैं मेरे पापा के साथ था, गांव से 1.5 किलोमीटर आगे एक सिंदूर माँ का मंदिर है, वहाँ पे मैं बैठा था, और वहीं माता जी का एक मंदिर है, उस पर ये माता जी की काली चुंदड़ी, मतलब कालिका की काली चुंदड़ी पड़ी थी। मैं मेरे पापा को बोला ये चुंदड़ी लेके मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ। मतलब ये कुछ भावना होगी ना आपने, ऐसा क्या कुछ तो संकेत आपको? नहीं माँ, वो सामने से ऐसा आवाज आया था, एक छोटा मंदिर, आज भी वही मंदिर है, मंदिर मतलब आज मेरा नाम इतना हो गया कि मैं वो सब माता जी ने किया, लेकिन आज भी मेरा मंदिर 3 फुट का ही है, इतना ही मंदिर है, उस जमाने में जो था वही मंदिर, मैंने उसमें कुछ बांध छोड़ नहीं किया है, वही मंदिर से। फिर वो आपने जब अपने पिताजी को बताया कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, हाँ, फिर तो पिताजी बोला ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये बात गांव में चली कि ऐसा ऐसा, तो और हमारे गांव में एक लकवा हुआ था, लकवा वालों को मैंने एक माताजी की चुंदड़ी लेके मैंने ठीक कर दिया, वो मतलब चलने लग गया, बस वहीं से शुरुआत हो गई। फिर अब आप आगे बढ़े, अब आप बाद में लोगों को पता लगना है, जो जिसको मैंने ठीक किया तो उसका रिश्तेदार को पता लगा कि अपने गांव अपना वो रिश्तेदार ठीक हो गया, उसका रिश्तेदार ठीक हो गया, ऐसा करते 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 लोग हजारों में आने लग गए। अब जैसे ठीक होने का जैसे जो रहस्य है, क्योंकि अब आप यहाँ जैसे आप जहाँ आप स्थिति है, आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ ये पीड़ा झेल रहे वो लोग तो आते साथ में खबरें वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, फिर वो लोगों से ही बात करते हैं, वहाँ से मिली जुली बातें आती है, तो फिर आप क्या क्या सोचते हैं? देखो यहाँ 4-5 हज़ार आदमी अभी भी है, तो 5 हज़ार आदमी को उसमें मैं 50% लोगों को संतुष्ट कर सकता हूँ, 50% को नहीं भी कर सकता हूँ, तो मेरे विरुद्ध नहीं बोले उसका कोई अफसोस नहीं, पर जिसको मैंने देखा उसको मैं ठीक करके भेजता हूँ, लोगों का नंबर नहीं आता है, मैं क्या करूँ? अभी यहाँ 8 बजे होगा, 7-8 बजे होगा, अभी देखो कम से कम 2000 लकवा वाले बैठे हैं, 1 लकवा वालों को आपने मिनिमम 2 मिनट 2.5 मिनट का टाइम तो देखा होगा ना, जो हाथ पैर सीधा करने में, तो 2000 आदमी तो 2000 मिनट मतलब कितना घंटा हो गया, तो आधे आदमी का नंबर नहीं आता है, वो बोलेगा मेरा बुरा बोलेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिसको मैं देखता हूँ जो अच्छा होता है वो तो मेरा अच्छा बोलता है ना, और मैं तो मेरा कर्म करता हूँ। तो ये बिल्कुल आपकी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क होता है इसमें कोई? यहाँ मैंने आज भी जो कुछ सामान्य कपड़ा पहनता हूँ, सामान्य आदमी हूँ, मैंने जिस दिन मैं किसी का 1 रुपया ले लूँगा ना, मेरे पास पैसा बहुत आता है, ये भंडारा में ये दान पेटी है, ये जो पड़ी है दान पेटी में पैसा आता है, लेकिन आप जाके ये जितने भी आदमी हैं अभी कम से कम 7-8 हज़ार आदमी रुकते हैं, सबको खाने पीने की व्यवस्था यही पेटी से होती है, उसके अलावा कोई पेटी नहीं है, यही दान पेटी मेरे पास में ही रहती है कि अगर से उसमें से कोई इधर उधर भी ना हो तो यही दान पेटी से पूरा भंडारा का खर्चा चलता है, और ये लोगों ने ला के दिया हुआ है ये सब। आपके थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में बताइए, हम चार से पूछते हैं कि उनके परिवार के बारे में हम जानकारी चाहते हैं। हम 4 भाई है, 1 बहन है, मेरे 3 भाई गाया चराते हैं, मैं गुज्जर समाज से हूँ, जो यादव गुज्जर बोलते हैं, मैं तो 3 भाई गाय चराते हैं, मेरी बहन जो है मेरे जीजा वो भी गाय चराते हैं, और मेरे मामा वो भी गाय चराते हैं, मेरे परिवार में मेरी घरवाली, एक मेरी 6-7 साल की बच्ची है और एक 1.5-2 साल का मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है। ये परिवार है, आपने अभी मैं जो परिवार का बताया उसमें परिवार के साथ साथ गाय माता का 3-4 बार जिक्र किया, और अभी आप इन दिनों राजसमंद में हो, ये राजसमंद नाथद्वारा और चारभुजा जी,
ये गौ माता की नगरिया मानी जाती है, तो फिर यहाँ के आपको विशेष लगता है कि यार चलो मैं वापस गौ माता की नगरी में आया हुआ हूँ? गौ माता की नगरी में आया है वो बात नहीं, आज से 5 दिन पहले मैंने यहाँ जो लंपी रोग की जो गाया हुई थी वहाँ मैं गया, इतना बिजी होने के बाद आप देख रहे हो, वहाँ गया मैंने 16 किलो घी से, देसी घी से हवन किया, 108 नालियों से हवन किया और ये लोगों ने पैसा दिया, उसमें से मैंने 11,500 रुपया दिया यही गांव में। और गाय माता के लिए तो कुछ भी करना पड़े मेरे को, मैं रात को तैयार हूँ, जितने भी गौ सेवकों को गौ भक्तों को उसको तो मैं बोलता हूँ मेरे लायक कोई काम हो तो मेरे यहाँ हजारों लोग आते हैं। अगर वो लंपी रोग का जो इंजेक्शन लाना है अगर आपके पास इतनी सहूलत नहीं है तो मेरे यहाँ हजारों लोग आते हैं, मैं एक आवाज़ करूँगा तो लोग मुझे 1,000 रुपया देंगे। अगर कोई गौ भक्त को कोई गौशाला में अगर कोई कमी पड़ी तो मेरे पास लाखों, मेरी माँ का लाखों भक्त है और यहाँ से ठीक होने वाले। मेरे को सामने से लोग पूछते हैं बाबा जी कोई ज़रूरत हमारे लायक, मतलब यही पूछते हैं बाबा कोई ज़रूरत है, पर यहाँ मेरे यहाँ से भंडारा में आते और गिरीश नाम, गिरीश कुमावत है ये एक आदमी मणियारी का, वो आदमी पूरा भंडारा संभाल लेता है। मैं तो भंडारा में रोज़ क्या 2 लाख रुपया खर्चा आता है, अभी 10,000 आदमी का खाना है यानी कि 2 लाख रुपया खर्चा आता है, लेकिन वो पूरा खर्चा संभाल लेता है, मेरे को कोई काम करने। और वो दान पेटी में निकलता है 35-40-50,000 रुपया आता है, लेकिन 2 लाख रुपया रोज़ खर्चा है। इसमें आज मैं जैसे बाहर बात कर रहा था, एक हमारा आज किस्सा सामने आया, कोई अमेरिका से आज सुबह आए थे, हाँ। तो वो क्या अमेरिका तो वो तो टेक्नोलॉजी, वो तो मेडिकल की मतलब सबसे बड़ा देश माना जाता है। अमेरिका वाला आया था लेकिन उसके पास वो जो डंडी थी ना वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी, वो स्टिक मैं आपको दिखाता हूँ, 4-4,500 की आती है वो बोलता था। तो मैंने सोचा माँ तू इसको ठीक कर, और ये डंडी में मेरे पास ये स्टिक थी, ये देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एकदम VIP है, वैसे ऐसे करके ऐसे ऐसे फोल्ड करके इतनी हो जाए और बॉडी लंबी हो जाए ऐसे। मैं मतलब माँ आज भी अमेरिका से आया है, अपन भारत में तो पूरा भारत ने किया लेकिन अमेरिका वालों को ठोका मार दे तो एक ठोका मारा वो यहाँ से दौड़ के गया और 2100 रुपया भंडार में दे के भी गया, वो पाउंड बोलते हैं पाउंड के क्या बोलते हैं डॉलर, वो दे के भी गया। अच्छा, अब एक काफ़ी लोग ये भी जानना चाह रहे थे, वीडियो पे भी हमारे सवाल आता है, अगला आपका कैंप कहाँ? अगला यहाँ 7 तारीख नवरात्रि के बाद 7 तारीख से मेरा कार्यक्रम पालडी एम सिरोही से 15 किलोमीटर बाबा रामदेव बाबा होटल के पीछे 3 किलोमीटर गांव है, वहीं मेरा कार्यक्रम होगा। अब एक आखिरी सवाल की, जब आप आते हो इतने लोगों को देखते हो और फिर आप जो भी अब आपके पास सामर्थ्य है वो करते हो और आदमी खड़ा होता है और चलता है, उस वक्त आप क्या सोचते? बस वही सोचता हूँ कि मैंने जो ये आज मेरी 32 साल मैंने यही काम में निकाल दिया, मेरी पूरी लाइफ ही यही निकाल दिया। जब कोई खड़ा होकर चलता है तब माँ को बोलता हूँ माँ अब वो अपना संसार, अब वो किसी का सहारे नहीं जिएगा, माँ वो अपना सहारे का जिए, माँ तो भलो करना ये लोगों का भला करना, माँ वो अब अपना सहारे से जिए, क्योंकि अपाहिज आदमी है उसको एक आदमी साथ में लेके आना पड़ता है, अब तो वो अपनी खुद की ज़िंदगी जिएगा ना, आज़ाद हो गया वो। आखिर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उन लोगों से भी बात करें हमारे इन चैनल के माध्यम से, जो लोग यहाँ से काफ़ी लोग निराश होकर चले जाते हैं, कई लोगों के मन में पीड़ा भी हो जाती है कि यार मेरे इतना असर नहीं पड़ा, उन लोगों को भी आप कुछ कहना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से? यहाँ मेरी कैपेसिटी एक दिन में 2,000 आदमी की है, सुबह से शाम तक मेरी कैपेसिटी 2,000 आदमी, तुम 10,000 आदमी आओगे तो 8,000 वापस जाओगे, मेरी कैपेसिटी की मैंने बात कर दिया कि मैं एक इंसान हूँ तुम्हारा जैसा, ताकत है पर मेरे को देखना उसको ठीक करना, तो 8,000 आदमी निराश होकर जाते हैं, मैं भी मानता हूँ ना दुख लगता है, पर अब मेरी उम्र भी हो गई 53 साल मेरी उम्र है, मैं रात दिन मैंने अभी मैं सुबह 8 बजे आ गया हूँ, मैं रात को 3 बजे तक लोगों की सेवा करूँगा, 3 बजे तक मैं लोगों को लकवा वालों को देखूँगा, पोलियो वालों को देखूँगा, वो इससे ज़्यादा तो मेरे में ताकत नहीं है कि मैं मतलब 8 बजे से 3 बजे तक रात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अगला जैसे आपने सिरोही वाला शिविर बताया, अगर वहाँ कोई आना चाहे तो उनके लिए कोई ऐसा है कि भैया सलाह है कि यार आओ हाँ, तो थोड़ा ये थोड़ा आप आओ तो थोड़ा लेट आओ, आजू बाजू के गाँव के लोग जहाँ मैं जाता हूँ आजू बाजू गाँव का लोगों को पता लग जाता वो तुरंत आ जाते, और वो आए तो 7 तारीख से कार्यक्रम चालू है तो मेरे हिसाब से वो लोगों को 14 तारीख मतलब 10 दिन का गैप रखे 14 तारीख के बाद आना चाहिए, तो लोग तब तक आजू बाजू के गांव वाले सब आके चले जाए उसके बाद लोग आए तो भीड़ कम होगी, पर मैं जब जाऊंगा तो वहां तो भीड़ रहेगी, आज अपना शायद मेरा ये 10वां कि 11वां दिन है तो अभी आज तो अब लोग कम होते जाएंगे ये आजू बाजू वाले 5-5 दिन वाले,
तो वो अभी ये बाहर वाले को ज़्यादा फायदा रहेगा, तो उसको तो मैं तो बोलूँ 14 तारीख के बाद आना चाहिए। एक हमारा आखिरी सवाल कि मेडिकल वाले भी लोग, जो प्रशासनिक लोग, मेडिकल से जुड़े हुए लोग, वो कभी आपसे संपर्क नहीं करते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? भैया 32 साल से वो संपर्क कर करके थक गए, 32 साल हो गए मेरे को, एक संपर्क कर करके थक गए। ऐसा नहीं करते, कोई परीक्षण नहीं करते हैं कि यार पता तो करेगी ये सही है? अरे भैया मेरा आज से 20 साल पहले सब परीक्षण हो चुका है और अभी भी परीक्षण करने के लिए मैं वो परीक्षा देने के लिए परीक्षण करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब तो कोई नहीं आता है, अब तो वो अपने वो जो बोलते हैं बड़े बड़े आदमी, वो अपने मरीज को फ़ोन लेके यहाँ आते और वो बड़े आदमी को फ़ोन करवाते ये भैया मेरा एक लकवा वाले आए वो आप देख लेना। आपके कोई कांटेक्ट करना चाहे, क्योंकि अब फोन हमारे पास आता है, इतने फोन आते हैं कि हम दूसरी खबरों तक पहुंच ही नहीं पाते। इससे बड़ी कोई खबर नहीं है, ये जो कोई लकवा वाला तुम्हारे जरिए ठीक होगा जी, और वो जो दुआ दे, ऐसा कोई नंबर संपर्क सूत्र जो सीधा आपसे संपर्क कर सके? हाँ मेरा संपर्क सूत्र है, लेकिन मैं फोन बहुत कम उठाता हूँ, तो अभी मेरा नंबर लिख लो 9090309292। दूसरा एक मेरा नंबर है जो मेरे पास में रहता है ज़्यादा करके, पर वो सुबह मैं जब घर से निकलता हूँ तो आधा घंटा चालू करता हूँ और रात को 3 बजे चालू करता हूँ देख, और उसमें मैं व्हाट्सएप मैसेज में ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि फ़ोन तो रात को 3 बजे मेरे को फ़ोन करेगा, सब सो जाते हैं। 8694893333 ये दोनों नंबर मेरा है।